الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين طلاق बाद के मरल जिसमें बच्चे की औलाद की फिक्र की जा रही है और महजब ममालिक में तलाक़ के बाद जो सबसे बड़ी फिक्र होती है कोर्ट की वो ये होती है कि इन दोनों बैलों की लड़ाई में कहीं बच्चे ना पिस जाएं कोर्ट की जो मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र होती है तोज्जो होती है वो बच्चों पर होती है कि ना वालिद जो है वो इनके हुकूक हकूक़ को ज़ाया करे और ना वालदा करें शरीयत का मामला भी यही है मैंने पहले अर्ज़ किया था कि शरीयत में तलाक़ कोई खुशकुन अमर नहीं है जिस पर किसी को मुबारक दी जाए बल्कि ये एक मर्ज का इलाज है एक इस्तरारी इलाज है और अगर घर बसाने के लिए हम अपने कल्चरल जो हमारी ईगो है ट्राइबल ईगो और जेंडर जेंडर ईगो जो है हमारी उसको एक साइड पे रखें हम तो और अल्लाह पाक की हदायात को फॉलो करें इस मसले पे ये इतना अहम मसला है कि इस पर बाकायदा सूरतें भी नाजुल हुई हैं और तलाक़ के नाम पर सूरत नाजुल हुई है और फिर मुख्तलफ़ सूरतों में जैसे सूर्य निशाय, और औरबकरा है इसी तरह तहरीम है तो इसमें मुख्तल घरेलू जो आयली ज़िंदगी के मख्तल डायमेंशन हैं उसको डिस्कस किया गया है और समझाया गया है अगर हम उसको फॉलो करें तो वो बाद वाले मसाइल पैदा नहीं होते लेकिन अगर हम ये फ़ैसला करें कि हमें जो है वो औलाद को बर्बाद करना ही है इसलिए कि तलाक़ की सूरत में सबसे जो नाजक चीज़ होती है ना आप अगर जा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है तो उस वक्त आपकी फ़िक्र जो आपकी सबसे ज़्यादा कीमती अहम और नाजक चीज़ होगी उसको बचाने में होगी मसला आपके हाथ में अगर पासपोर्ट है तो आप उस पासपोर्ट को जैकेट नहीं जैकेट से नीचे जनाब वाली शायद कमीज से नीचे ले जाएं और उसे बनियान में फ़िट करने की कोशिश करें कि इसको वहाँ बांध दूँ ताकि पानी पहुँचने में देर लगे तो आपके नज़दीक उसकी ऐसी अहमियत है इसी तरह बंदे को ज़ख्म हो तो वो वजू भी करता है तो कोशिश करता है कि उस जगह को बचाए उस जगह को पानी ना लगे जहाँ औलाद का मामला भी यही है ये बड़े ही नाजुक होते हैं आप अगर कीमती सामान कारगो करते हैं साथ लेकर जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये बड़ी नाजुक चीज़ है इसे एहतियात के साथ हैंडल करें ये सफ़र बच्चे करते हैं बाजार कोई ख़ून ब्लीडिंग नज़र नहीं आ रही होती लेकिन इनके दिलो दिमाग इनकी नफसियात जो है वो बाकायदा डैमेज होती हैं वो कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं होते जिनके वालदान के दरमियान तलाक हो जाती है वो बड़े मसाइल होते हैं बाद में बगैर बाप के अगर बच्चा माँ के साथ भी पलेगा तो वो फिर ठीक तरह का मर्द नहीं बनेगा वो जो भी औरत की निगरानी में पलते हैं और बाद में भी रहते हैं तो उनके अंदर वो मर्दान मर्दाना जो कुशादगी होती है ना वसत नजर होती है वो नहीं होती फिर वो औरतों ही की तरह छोटी छोटी बात पकड़ते हैं यानी जो शख्स भी अपनी बीवी को छोटी छोटी बात रोज़ तो तहकीक ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है सालन में ये हो गया फना हो गया रिंग हो गया कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी किसने क्या बात की थी मुझे बताओ सारी बात तो वो शख्स असला जो है वो वालदा की गोद में ही पला है और वो भी मर्द की शक्ल में एक औरत ही है और ए, उसमें वो मर्दाना के, जो कोई बड़ा इशू हो जाए तो मर्द जो है वो इंटरफेयर करता है और तोजो देता है कि भाई क्या हुआ है अदरवाइज़ वो कोई किसी ने क्या बात कर दी किसी ने किसी से क्या कर दी जिठानी ने क्या कर दी देवरानी ने क्या कर दिया वो इन चीज़ों की तरफ तोजह ही नहीं देता ये लगा ही रहता है ये तो रूटीन की चीज़ है जैसे नज़ला जुकाम जो, जो है वह दूसरे दिन लगा हुआ था इनका लगा ही रहता है तो जो मर्द मर्दों में पलता है ना जिस बच्चे की अटैचमेंट वालद के साथ होती है ना उसके अंदर वो मर्दानगी होती है कि जो छोटी छोटी चीजों को कोई अहमियत ही नहीं देता कोई हो भी जाए तो कहता क्या हुआ तो वो बच्चे जो फिर इस सिचुएशन में पलते हैं वो नॉर्मल नहीं रहते हैं। तो अब यहां से बात शुरू हुई है वो जो कोलेट्रल डैमेज होता है आ, बीमिया और बीवी के झगड़े में औलाद का तो उसके लिए फिर उस तय किए जा रहे हैं ताकि उनको कम से कम नुकसान वल तो मुन्नसा और जब तुम तलाक दो औरतों को फबल ना अजला और सो वो पहुंच जाए अपनी अजल को उनकी इद्दत को تراضوا بينهم बिलमारूफ तो तुम उन्हें मजबूर ना करो उन्हें रुकावट मत बनो इस बात से कि वो अपने सबका शोरों से निकाह कर ले नाक का मसला ना बना ये बहन भाइयों को बरदरी वालों को औरत के वालदेन को समझाया जा रहा है कि इसको नाक का मसला ना बनाओ अगर वो पलट कर सबका शोर से निकाह करना चाहती है तो उसका रास्ता छोड़ दो वो अपनी मर्जी की मालिक है और उसे तुम उसमें रुकावट मत बनाओ इजात दो बना बिल मारो अगर वो आपस में एग्री कर गए कि ठीक है जी वो जो गलतियाँ हम पहले हुई हमसे औरत कहती है मुझसे नहीं होंगी मर्द कहता है मुझसे नहीं होंगी तो कहते हैं ठीक है फिर से उन्हें कामयाबी तो कोई मर्द कितनी बार भी तलाक दे यानी एक दफ़ा होगी दो दफ़ा तो उसे रजू का हक हास है उसके बाद जो तलाक हुई तो जिस दिन वह तलाक हुई उसी दिन वो उसके लिए हराम हो गई है अब वो रजू अब वो उसकी बीवी नहीं रही समझ समय रहे हैं ना पहली दो तलाकों में वो उसकी बीवी होती है इद्दत की मुद्दत तक लिहाजा वो वहाँ रहती है कोशिश करती है कि उसका इरादा तब्दील कर लेकिन जब तीसरी तलाक होती है जिसको कहते हैं तो फिर उस सूरत में उसकी कोई इद्दत नहीं उसी दिन वो हराम हो जाती है और उस सूरत में उसे अपने वालदे के घर चले जाना चाहिए अब वो मुद्दत पूरी हो गई और वो वापस पलट की शादी करना चाहती है उसी बंदे के साथ तो कर सकती है किसी हलाले की जरूरत नहीं फिर कभी उनमें तलाक हो जाती है और इद्दत गुजर जाती है और रजू नहीं होता तो वो फिर पैर शोर के साथ निकाह कर सकते हैं दूसरे से निकाह करने की कोई शर्त नहीं है पलट कर अपने उस शोर से शादी करने में कोई हलाला दरमियान में नहीं है कि जो वो पुलसरात पार करके तो फिर जब पलट के आए वो ऐसी कोई चीज़ नहीं वो सौ बार भी अगर उनकी तलाक हो जाती है और सौ बार भी इद्दत के बाद वो नया निकाह करना चाहते हैं वो नया निकाह कर सकते नयाकमार के साथ गवाहों के साथ कोई कबूल पूरा होगा उसमें कोई हलाला नहीं हलाला सिर्फ उस औरत पर है जिसने तलाक ख़रीदी है शोर से बर्गेनिंग की है उसकी कोई चीज़ वापस की है अपनी तरफ से उसे कुछ दिया है और फिर तलाक खरीदी है उस तलाक के खरीदते ही यानी उस तलाक के देते ही कोई इद्दत नहीं को उसी दिन उसके लिए हराम हो जाती है। और आप पलट कर तब तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वो कोई नया निकाह ना कर ले कोई नया शोर ना देख ले तो यहाँ कहा गया कि अगर वो पलट कर वापस जाना चाहती हैं तो इस चीज़ को मत तुम नाक का मसला बना तलाक चूंकि दी थी हमारी नाक काटी थी उसने लिहाजा अब उसके साथ हम इतने बगैरत नहीं है कि उसी के साथ दोबारा नक करने दें नहीं कर सकती है कोई मसला जो भी मन का नोनिया आखिर अगे जो दरमियान में नाक आती है ना तो अल्लाह पाक उसका इलाज फरमा है उसके लिए ये इंजेक्शन है कि भाई साहब मसला ये है कि हमें तो नाक ने रोका है ना तो वो नाक अब अल्लाह से बड़ी तो नहीं हो सकती अल्लाह पाक कहता है कि ये जो वाज किया गया ना ये जो नसीहत की गई है ये जो ऊपर तुम्हें कहा गया कि उसका रास्ता ना रोको ये उन लोगों के लिए है तुम में से जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखरत की जवाबदेही का यकीन रखते हैं यानी उन्हें पता है कि ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा अगर आप निका के दरम्यान रुकावट बने अल्लाह के हुक्म के बावजूद अल्लाह के इजाजत देने के बावजूद आपने अल्लाह की वो इजाज़त मनसूख की तो ये कोई मामूली फेल नहीं है इसलिए कहा कि यह ईमान की नफ़ी है अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहि वसम के बारे में फ़रमाया ना कि फलाह व रबी का ला यु हक के मुँह का फीमा शाहमारिम तब की कसम नहीं ये उस वक्त तक ममिन नहीं हो सकते जब तक कि ये आपसे फैसला ना करवाएं यानी आप पर अदल का ईमान और यकीन रखें कि नबी अदल करेंगे हमारे साथ यु हक के मुँह का फीमा शाहजारा बहिना आपस के झगड़ों में आपको हकम ना बनाए सुमल हारा जन मिमा था। उसके बाद वो अपने सीने में कोई खलश महसूस ना करे मुंह से कहना तो दूर की बात है ना कोई खलश कोई शक के हमारे साथ ज्यादा हो गई है खलश महसूस ना करें खुशी खुशी जाए के जी जो भी हमारे नबी ने फैसला किया अगर तो उसमें मेरा नुकसान हो लेकिन यह फैसला मेरे नबी का फैसला वाई यूसलिमु तस्लीमा उसको इस तरह तस्लीम करें उसके सामने जैसे तस्लीम करने का हक है तो ये तो अल्लाह की बात हो रही वो तो रसूल का मामला था ना तो अल्लाह के फैसले के बाद भी कि ये दोनों आपस में निकाह कर लें तुम अपनी वो जी नाक कट जाएगी और फला हो जाएगा और ठीक हो जाएगा तो अपनी नाक को सूड मत बनाए नाक ही रहने दें तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये नसीहत उनके लिए यानी जो नहीं अल्लाह पर ईमान रखते आखरत पर मुहासबे का उनका यकीन नहीं है कि अल्लाह का सामना करना उसके सामने खड़ा होना हमने तो फिर उनके लिए क्या है तो कोई नहीं उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी यानी इस चीज को अहमियत वही नहीं देगा जिसका अल्लाह और आखरत पर ईमान नहीं जिसका ईमान है वो इस नसीहत को दांतों से पकड़ेगा अज कामवा था तुम्हारे लिए बेहतरीन और पकीजा तरीन जो है वो रवश है ये बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाई है इशारा किया है कि तुम नाक के मसले में उसको पकड़ के बैठ गए अगर बैन को तो फिर ये नाक कहीं रोज कटती ना रहे मोहल्ले में पाकिजा तरीका वही है अल्लाह इंसान का खालिक है मर्द का भी औरत का भी और वो समझता है इनके मसाइल को और वो हकीम है और वो बेहतरीन दवा देता है लाज़ा ये नाक ऐसा ना हो कि फिर रोज़ कटती रहे कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में तो बाज आ जाओ इनको निकाह करने दो नाक को दरमियान में मत आने दो वल्ला हो या तुम ला तला जानता है तुम नहीं जानते तुम पग बांध के बस निकल जाते हो घर से तुम्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं है कि भाई क्या ज्यादती हो रही है अपनी बहन के साथ तुम क्या ज्यादा कर रहे हो बेटी के साथ क्या ज्यादती कर रहे हो तुम इसलिए जो अल्लाह कह रहा है उसको फॉलो करो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते औलादावल काम लईने रेमन आराधा मर्रदा और माए पिलाएं अपनी औलाद को दो साल पूरे आराधा तम मर्रदा यानि जो रजात का इतमाम करवाना चाहता है पूरा पूरा दूध पलवाना चाहता है तलाक़ याफ्ता औरत को ये मसला असल में दूध का मसला ज़ेर बैस आ रहा है तलाक़ याफ्ता औरत का ये जो आम हमारे यहाँ मशहूर है ना कि जी दो साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना हराम है जी और माएँ जो है वो छुपाती फिरती हैं और बच्चे को डराती फिरती हैं और कभी न, मुसबर लगाती हैं और पता क्या लगाती हैं कि दूध छुड़ाएँ बच्चे से जब तक दूध आता है बच्चे का हक है दूध पिलाएं उसको यानी रास्ते बस्ते घर के अंदर ये मसला नहीं है जब तक दूध आता है तब तक बच्चे को पलाएँ उससे कोई मसला अगर बच्चा जलती हो गया दूसरे वाला और पिछले वाला जो है वो उस दूध में शरीक होना चाहता है तो भी वो पी सकता है कोई हरज नहीं है उसमें ये जो दो साल वाला मसला है ये तलाक़ याफ्ता जोड़े का है कि औरत जो है वो भी लेकर बैठ ही ना जाए कि उसका दूध जितना मतलब लंबा चलेगा उतना उसको खर्चा मिलेगा और पैसे मिलेंगे दूध पिलाने के और शोर जो है वो जल्दी छुड़ाने की कोशिश ना करे क्या जी ये तो मुझे इस औरत का ख़र्चा भी कपड़े भी और फिर ये कि पैसे भी और ये सारा कुछ देना पड़ रहा है तो ये जल्दी से बच्चा जो रोटी खाए और दूध से जहाँ दूध छुड़ाया जाए तो कहा कि नहीं दो साल जो है ना ये दरमियान ना औरत की मानी जाएगी ना मर्द की मानी जाएगी दो साल दरमियान खर्चा रख ले दो साल तक दूध पिलाएगी और तुम दो साल तक उसको फीड करोगे औरत को भी और अल्लाह बहन किसवा तो उन और उनके कपड़े भी तुम तो, उनको दोगे अभी आगे आप पढ़ लेंगे लहू और उस पर् के बच्चा जिसका है आप देखें पिछली आयत में बल्कि इसी आयत के पिछले हिस्से में फरमाया फरमायाद हुना माए दूध पलाएं पलाएलादा हुना अपने बच्चों को अपने बच्चों को यानी अब पहले स्टार्टिंग में वो औरत का बच्चा है अगले हिस्से में वलमद लहू और जिम्मे उसके के बच्चा है जिसका लाहू हो अलमौलूद लाहू जिसका बेटा है रिज को होना और जिसका बेटा है वो दूध पिलाने वाली माओ को उनका खाना पीना नान का जिसे कहते हैं वह किसवा तो होना और कपड़े उनके सर्दियों में सर्दी वाले गर्मियों में गर्मी वाले दरमियाने मौसम है दरमियाने वाले बिलमूफ मरूफ तरीके के साथ यानी ये नहीं कि आप वो कहें कि बीस हजार का सूट चाहिए या पचास हजार का सूट चाहिए दरमियान ने कपड़े जो उर्फ है ला तो ला नफसुन किसी जान को उसकी वसत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाएगी बार बार ये आयत आपको मिलेगी यहाँ भी और वहाँ आगे सुरह तलाक में भी किसी जान को उसकी वसत से ज्यादा नहीं यानी जो पैसा तय होगा बच्चे का देने का कि कितने पैसे देंगे दूध पिलाने के अब देखें ना इससे पता चलता है कि दूध पिलाने की अहमियत क्या है वो दूध भी पिलाती है वो तंदूर पे रोटियां भी पकाती है वो कहीं खेतों में दे के भी आती है वो घर की भी सफाई करती है तो आपके नज़दीक उसका जो दूध पिलाने का अमल है वो एक रूटीन की चीज़ है ऐसा नहीं है आप तलाक के बाद आप पैसे दोगे दूध पिलाने के ये नहीं कह सकते कि उसका अपना बेटा या अपने बच्चे को पिला रही है नहीं अल्लाह कहता कि बच्चा तेरा है दूध वो पिला रही है लिहाजा पैसे दो दूध के पैसे दो और इसके खर्चा बर्चा और इसके अः कपड़ों के कपड़े इसको तुमने देने दो साल तक लात उदारा वालिदा तुम भी वाला दिया ना तो माँ को कोई नुकसान पहुंचाया जाए उसके बेटे के सबब बेटे को लेकर वला मौलूद लाहू फिर यहाँ लाहू उस मर्द की तरफ जो है वो मुशाला और ना ही उसको के जिसका बेटा है उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाए बेवला दे ही अपने बेटे की वजह से यानी बेटे के जरिए ना माँ बाप को ब्लैकमेल करे ना बाप बच्चे की माँ को ब्लैकमेल करे बच्चे को दरमियान में उस छीना चपटी का हिस्सा मंथ बनाओ अपना जो तुम्हारी तो वसत के अंदर है उसके मुताबिक करो तुम तो, काम वारिस ही मिसर और वारिस पर भी उसी की मिसाल है यानी वारिस वो होगा ना कि शोर जो है वो फौत हो गया पीछे या तो शौर का बाप है या उसके भाई हैं तो वो भी इन हदायात को फॉलो करें वो दूध बच्चे का पूरा करवाएं दो साल और उस औरत का खर्चा दें फाइन अराधा फिस फिर अगर वो दोनों इरादा कर लें दूध छुड़वाने का आपस की रजामंदी के साथ मिन हम व तशावर आपस की रजामंदी और मशवरे के साथ वो कहें कि जी अब माँ कह के जी मेरा दूध कम हो गया है बच्चा मुतमिन नहीं होता तो लादा मैं पैसे नहीं लेती और मैं तो फिर वो फ़लाँ जना वो डिसकन्टिन्यू कर सकती है दूध पिलाने के और यानी वो दो साल फिर पूरी मुदत पूरी करने की ज़रूरत है वह इन आर तुम तरद अवलादा कुम फला जुना तुम मा आते तुम बिलम और अगर तुम इरादा कि तुम उसको किसी और, और से दूध पिलाओ तो भी तुम कर सकते हो अगर तय जो भी चीज़ है वो मुआवजा आदा किया जाए तो तुम यानी इसको अगर दूध सूख गया माँ को दो साल पूरे नहीं कर सकती साल बाद सूख गया डेढ़ साल बाद सूख गया तो फिर अगर तुम चाहते हो कि बच्चे को मजीद दूध पलाओ तो तुम किसी दूसरी खातून से पला सकते हो और फिर वहाँ जो भी नान होगा वो देना या पैसे देने होंगे व और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अल्लाह का इख्तियार करो जान लो कि अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो उसको देख रहा है ये है ना वल्लामात मलुना ख़बीर वल्लाह खबीर बमात मलु जो तुम करते होल्ला उससे बाखबर है वल्लाह व्ल वल्लाह वमियम बसीर ये क्या है देख रहा है बाखबर है सुन रहा है तो अगर इस सुनने देखने और इल्म होने का कोई नतीजा ना निकले तो ये ऐब है ये खूबी नहीं है इसलिए क़यामत जरूरी है यौमा वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर वल्लाहु खबीरों बिमा तअमलून मलून, ख़बेर। ख़बेर। मलून। ये इस खबरी का रिजल्ट कब निकलेगा योम यजमाउकुम कुमले यौमिलजम जिस दिन वो तुम्हें जमा करेगा जमा किए जाने वाले दिन का तब उस दिन उस देखे सुने का नतीजा निकलेगा उस दिन नफ नुकसान के फैसले होंगे ये क्यामत जरूरी है अल्लाह की इन सिफतों के लिए अदल के लिए तभी उसकी खुदाई का हक अदा होता है तभी उसकी अलूहत का हक अदा होता है कि वह अपने अहकाम की तामील करने वालों को नवाजे और अपने अहकाम की मुखालफत करने वालों को सजा दे हाँ वरना कानून को चीज नहीं देती शरीत को चीज नहीं देती जिस कानून की सजा मुतैन नहीं होती जुर्माना मुतयन नहीं होता सजा मुतयन नहीं होती वो कानून नहीं होता वो दर्श होता है वाज होता है नसीहत होती है अखलाकी नसीहत करो तो भी भला ना करो तो भी भला कोई कानून कानून कहलाता ही उस वक्त जब यह तय होता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर इसकी चौदह साल सजा है सात साल सजा है पांच लाख जुर्माना है दस लाख जुर्माना है फिर यह कानून होता है यही मामला शरीयत का है अगर सजा जजा का दिन नहीं है तो फिर सब कुछ कहानियां ही है। हैं अबस है सब कुछ वो जो इंसान के अंदर वो अखलाकी दाइया है और वो जो जमीर है उसका नफ्स वो जो उसको समझाता है कि देखो लवामा जो कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया तो बंदा कहे भाई अच्छा नहीं किया तो उसका मुझे नुकसान क्या है तो वो जो लवामा रोकता है वो किस जोर पर रोकता है कि देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया जिस दिन तुम खुदा के सामने खड़े हो तो उस दिन क्या जवाब दोगे तुमसे तुमने तो अपना बेड़ा गर्क लिया तुमने अपना सब कुछ कर वो योम जजा मालिक योम दीन वही तो डरावा होता है नफसे लवामा के पास वही तो दलील होती है वरना क्या दलील है बंदा क्यों ना चोरी डाका करे भाई क्यों किसी गरीब मस्किन की मदद करे इसलिए कि इसका नतीजा निकलेगा एक दिन आएगा इसलिए वो सारी चीजें साथ साथ बयान करता चला जाता अल्लाह कि अल्लाह जो तुम कर रहे हो उससे बाखबर है उसको देख रहा है माँ यकून उन्ना जवास राबिन अल्लाह साद तीन नहीं होते चौथा वो होता है पांच नहीं होते छठा वो होता है वह हुआ मा को मई नुम तुम जहां कहीं भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। तुम एक और दूसरा वो है तुम दो तीसरा वो है तुम तीन हो चौथा वो है वह हुआ माँ को मै नाकुन तुम वल्ला माता मलोन बस जो तुम कर रहे होते हो अल्लाह उसे देख रहा होता अब ये इतनी बड़ी बात है कि अगर इस देखने का नतीजा ना निकले एक इदारे में एक डायरेक्टर को पता है कि उसके नीचे क्या हो रहा है फलां फलां रिश्वत ले रहा है फलाने गरीबों की फाइलें दबाई हुई हैं बेवा की फाइल दबा रहा है उसको बुला रहा है हमारे वो जो चुमन वाली सरकार है उसकी तरह क्या हो मेरी खिदमत करो अगर तुम चाहती हो कि ये है और फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा बाखबर है देख रहा है सुन रहा है समी है बसीर है खबीर है कार कुछ नहीं रहा तो मुझे यह बताइए कि यह उसका ऐब है या उसकी खूबी है ऐब है ना कि एक्शन नहीं ले रहा अगर खुदा भी ऐसा ना करे देख रहा है सुन रहा है बाखबर है लेकिन न मजलूम की मदद कर रहा है ना मजलूम को हक दिलवा रहा है ना जालिम को सजा देता है और एंड हो जाता है कि सारे हंसते मुस्कुराते जन्त में चले जाएंगे कि ऐसा तो फिल्म में भी नहीं होता जब तक विलन को सजा ना मिले फिल्म खत्म नहीं होती यार तो कायनात कैसे कर देगा कि विलन और हीरो सारे नावे मुस्कुराते हो चलो जी पैकअप करो और शूटिंग खत्म हो गई है और आप चले जन्नत में सारे ना وصاحبته या। وبنيه या ये उस दिन का मंजर है अपने बाप से भागेगा मां से भागेगा भाई से भागेगा बीवी से भागेगा बेटे से भागेगा क्यों उनकी अक्तलफी की हुई होगी और आज उसे पता चला कि मैं कहां से दूंगा मैं दूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं यो महदी ये तजकका इंसान व अन्ना अन्ना लाहौा उस दिन इंसान को नसीहत आ जाएगी वह अन्ना लाहौा आप इस नसीहत को चुल्हे में डालना है आज के दिन उसका क्या फायदा ये तो दुनिया में हासिल करने के लिए थी ना जिक्रा इसीलिए कुरान को कहा गया जिक्रा कि ये याद यानी करवाने आया है कि तुम अगली मंजिल में अपने खुदा से आमना सामना होगा तुम्हारा और दरमियान में तर्जमान कोई नहीं होगा वकील भी कोई नहीं ना एहतजाज आसन होगा लतीफ खुशा होगा तुम होकर तुम्हारा रब होगा तर्जुमान भी नहीं बात करो भाई ये क्यों किया था तुम जिसे गजब की निगाह से देखेगा उसके चेहरे का गोश्त कर गिर जाएगा उस खुदा का सामना करना है इसीलिए आप देखेंगे सूर्य तलाक में वह मई यहा वै तक वैय तक व तकुल्लाह ये अल्लाह का तकवा इसीलिए कहा जा रहा कि अल्लाह से डरो यानी अल्लाह की गिरफ्त से डरो अल्लाह की गिरफ्त से डरो उसके बाद जिनके शोर फौत हो जाए तो उनकी बीवियां ये फौत हो जाने वाले के लिए खातून बेवा के लिए वल्लाज़ी ने यूँ तो वफ़ा अमिन कुम और तुम में से जो फ़ौत हो जाए व यादारून आजवा जान और बीवियाँ छोड़ जाएँ पीछे या तरबस नबी अन्फुसिन और बात अशर माशरा वो इंतज़ार करें आ, रुके रखें यानी अपनी जानों को चार महीने दस दिन तो्दत का मत, मैंने पहले भी कहा था कि इससे मुराद नई शादी की बातचीत नई शादी वगैरह करना माइल करना एक्स्ट्रा मेकअप करना और वो चीज़ें है इद्दत वाली का गोशे में हो जाना और पर्दा शुरू कर देना अगर पहले नहीं करती तो कहीं अंदर वाली कोठरी में शिफ्ट हो जाए और ना किसी आप विजिटर को का सामना करे ना किसी आने वाले का और ना कहीं किसी ए, की शादी पे जाए और ना किसी बीमार की ताज़ियत के लिए जाए और तीमारदारी के लिए जाए और ना ए, ए, कि ए कोई पाबंदी नहीं है। सिरे से कोई पाबंदी नहीं ये हिंदुओं में है कि वो किसी की शादी में ना जाए वरना उनका भी हाल वही होगा उनके यहाँ भी तलाक हो जाएगी उसका शौर भी मर जाएगा इसके असरात उस पर होंगे साया पड़ जाना जिसे कहते हैं ये चीज़ें इस्लाम में कोई नहीं है ये इद्दत में गोशे में हो जाने वाली कोई बात नहीं वो नॉर्मल अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारे बस सिर्फ इतनी पाबंदी है कि वो निकाह से अपने आप को रोके रखें और निकाह की बातचीत से किसी को मायल ना करें यह बूढ़िया ख़ातून उसका शौर बहुत हो गया है दो चार बेटे हैं एक, एक शहर में रहता है एक एक शहर में रहता है या एक एक मुल्क में रहता है दूसरा दूसरे मुल्क में रहता है वो अगर रखना चाहते हैं अपनी माँ को अपने पास तो कोई हर्ज नहीं है वो उनके पास जा सकती है वो कनेडा में है या वो लंदन में है या वो जहाँ कहीं भी हैं वो उनको रख सकती है अगर दो महीने एक बेटा रखता है वो कहती है दूसरे बेटे, दो, दो दूसरे बेटे के पास दो दो महीने दूसरे बेटे के पास गुजार सकती है बेटी के पास गुजार सकती है कोई मसला नहीं है इसमें आने जाने में तबीयत खराब है पार्क में जा सकती है Uh, कोई ऐसी उसमें कोई बंदिश नहीं है ये गोशे वाली बात कोई नहीं है इस्लाम में ये हिंदुओं में है और वहीं से आ, हमारे जो बुजुर्ग थी मर्द औरतें जो दादियाँ दादे परदादे हमारे थे उन्होंने इसको शिफ्ट किया है ऐसे लगता जैसे उस बेचारी ने मारा है उसको और सजा के तौर पे उसको बंद कर दिया गया वला जुनाकुम फ़ी मा अर तुम अच्छा यहाँ भी जब बात खत्म हुई अच्छा तो फरमाया कि फ़ैज़ाब अलगना जला जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं फ़ला जुनाकम फ़ी मा फ़ाफ़ी अनफिन नबिलमारूफ तो वो अपनी जानों के बारे में जो भी फ़ैसला करना चाहें और उसके मुताबिक वो कर सकती हैं तुम उन्हें नहीं रोक सकते वल्लबी माता मलून ख़बीर जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाबर है मैंने कहा जब अल्लाह ये असल में ये थ्रेट होता है देख रहा हूँ जब कोई बच्चा शरारत करता है ना तो आप क्या कहते हैं ये पहला अंदाज होता है वारने का। मैं देख रहा हूं और अगर देखने के बाद भी कुछ नहीं करना तो वो अब वो थ्रेट खत्म हो तो जाती है ना कि मैं जानता हूं तो इसका मतलब यह कि इस जानने का नतीजा निकलेगा तैयारी करो तुम फिर वला अलैकुम बिही मिन वाला जुना कोई गुनाह नहीं तुम्हारे ऊपर जो भी तुम पेश करो खिबतः अकनान तुम फियान अनफोसे को या तुम उसे जी के अंदर छुपा कर रखो आले यानी अर्ज पेश कर देना ये अर्ज फिदवी फी में यह अर्ज़ फिदवी वाली बात है कि पैगाम पहुँचा देना और जी में या जी में छुपा के रखना कि यार इसकी मुद इद्दत पूरी हुई तो मैं, मैं शादी कर लूँगा आलमल् वना तुम सतज करो नाला तो अल्ला पाक जानता है कि तुम न, उनको तस्करा करोगे यार फल का शोर फोत हो गया तो जरा इद्दत उसकी गुजरेगी या उसको तलाक हो गई है तो इ्दत उसकी गुजरेगी तो मैं इराधा मेरा कि यार मैं शादी कर लूँ से तो दूसरा कहता है यार इराधा तो मेरा भी है तो इस दौरान जब तक उनकी इद्दत गुजरती को पाँच सात दस बंदे तैयार हो चुके होते थे और फिर जब इद्दत गुजरती थी तो वो रिश्ते पेश होते थे और वो जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया करती थी कि अल्लाह के रसूल फ़लाने भी भेजा है पैगाम मुझे और फ़लाने भी पैगाम भेजा है तो आपका क्या मशवरा है मैं कि किसके साथ शादी करूँ तो आपने फ़रमाया कि जहाँ तक मुआविया का तल्लुक है बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन उसके पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं और जो फ़लाँ है उस वो पैसे वाला है लेकिन वो डंडा मोड़े से नीचे नहीं रखता तो देख ले अगर हड्डियों में ज़ोर है मार बर्दाश्त कर सकती हो तो फोर वो पैसे वाला ठीक है नहीं और भूख बर्दाश्त कर सकती हो तो फिर माविया माकूल बंदा है उनके साथ कर सकती हो तो, तो उस ज़माने में औरत जो है वो बस इद्दत गुजरने की दो, देर होती थी और बेहही जाती ये जो हमारे यहाँ जुल्म है ना कि बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं आप तलाक़ याफ्ता को छोड़ें आप बेवा को छोड़ें जवान बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं पढ़ी लिखी हैं एम ए है डबल एम ए पी, पी, पी एच डी एम बी बी एस रिश्ते को ही अब होता ही है कि तालीम जू जू बढ़ती जाती है लड़की की अब जब तक रिश्ता नहीं आता वाले वालदेन उसे पढ़ाते रहते हैं फिर यह भी होता है कि चलो जी अपनी रोटी रोजी कमा लेगी तलीम ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है डबल एम ए तो खातून है या एम बी बी एस उसने लड़की ने किया हुआ है तो वो मैट्रिक या अंडर मैट्रिक के साथ शादी करने में तो वो शर्मिंदगी करें सहेलियों को उसने भी मुंह दिखाना होता है उसके भी स्टैंडर्ड चाहिए और इस स्टैंडर्ड के मामले में फिर वो बेला गुजर जाता है मर्द को साठ साल तक भी रिश्ता मिल जाता है कोई हाँ, मसला नहीं है उसके लिए औरत तीस से ऊपर जब होती है तो फिर मसाइलस्तान बन जाती है फिर वो योगा जो अपनी कोई बूढ़ी माँ है उसकी और वो पाकिस्तान में आए तो उसकी देखभाल के लिए कोई दूसरी शादी वाला आ जाएगा और वो उसको यानी उसको फ्री की आया चाहिए होगी अपनी माँ के लिए या बच्चे हैं उसने तो पालने बच्चे उसके पहली बीवी से हैं दूसरी से वो बच्चे भी नहीं चाहता तो बहुत ज्यादा मसाले अरबों को ये नहीं थे उस जमाने में ये नहीं हालांकि ये कहा जाता कि उस जमाने में औरत पर जुल्म होता था नहीं आप देखें हजरत असम वो हज़रत जाफर तैयार रजील् तैन की जो थी वो शहीद हुए तो उनकी इद्दत गुजरी और अबू बकर रजील्ला तौना से उन्होंने शादी शादि कर ली हजरत अबू सिद्दीक रजीला तौ जो है वो फौत हुए तो बेटा था उनके पेट में हजरत असमा के मोहम्मद बिन अबू बकर वो जो ही वजह हमल हुआ तो उन्होंने यानी अबू बकर के बाद अपने देवर हजरत अली रजी ला से शादी कर ली उन्होंने देखे आप और भी बहुत सारी सहाबियात की मिसालें हैं और इसमें कोई बुराई नहीं समझते थे तलाक को वो गाली नहीं समझते थे ऐप नहीं समझते थे छुप छुप के नाक में मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं गुजरते थे कि तलाक हो गए तो बड़ा वो आजकल तो लोग ये समझते गाली ये हिंदुओं में है हमारे यहाँ नहीं थी तो उस जमाने में लोग मुंतजिर होते थे कि भाई कब मौका मिले और हम शादी करें कोई को, को ना मुतलका बैठ सकती थी ना कोई बेवा बैठती थी झटपट शादियाँ हो जाती थी वाला के ला तो आए दूर उनसे छुप के वादा मत करो यानी यारी याराना जो है वो नहीं लगाना पिल्ला कौला मारूफ है तुम मारूफ बात कर सकते हो कनाए में बात कर सकते हो इशारा दे सकते हो तुम उसे कि फिक्र मत करो हो सकता है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर कोई रिश्ता जो है वो तैयार कर रखा हो रिश्ता कर, गिरा का तो उसका मतलब कि निकाह जो है वो ठट्ठे में नहीं होता उसके लिए संजीदगी चाहिए होती है आजम चाहिए होता है इरादे से अगली चीज कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ निका का आज़म करना है तो फरमाया जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ भी तुम्हारी जानों के अंदर है फ़ाहदारू, तो खबरदार रहो तुम उसे धोखा नहीं दे सकते कि बात तुम कुछ और करो दिल में तुम्हारे कोई और है। ये जो अहकामा दे रही है वो सस्ती अच्छा तुम्हारे वसवसों से भी आगाह वालाकद खलकनाल इंसान व नअलमु मा तवसुसु बिही नफसु व नहम न अक्राब इलैही मिन हबलल वरीद चाहराक से भी करीब हैं, हम फहजरू फहजरू बी केयरफुल बी वॉर्न्ड खबरदार ये खेल तमाशा नहीं है ये उस हस्ती का कानून है जो तुम में अंदर से जानती हो खबरदार हो वालमो अन्नल्लाह गफोरन हलीम और यह भी जान लो कि बेशक अल्लाह बखसने वाला है और बड़े तहमल वाला है इसके बाद इनशा अजीज हम अगला रकू देखेंगे और उसके बाद है सोरेक पे जो भी तलाक़ के कवानी हैं उसमें इन ये बात मज़ीद खुल कर सामने आएगी कि क्या अहकाम है वाखिर दावा अहमदिल्लाबी आलम